नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव और छठ के माहौल में एक अलग अलग तरह का नज़ारा दिख रहा है। लगातार उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं और इसी क्रम में अभी हम तेतराबाद पंचायत आ चुके हैं और यहाँ पर साथी मुकेश जी जो हैं, जो मुखिया प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और वार्तालाप करते हैं कि जनताओं में किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है और यहाँ इस पंचायत के विकास में आखिर ये क्यों प्रत्याशी बनकर जनताओं के पास आए हैं और क्या क्या मुद्दा है इनके विकास की योजनाओं में। सबसे पहले तिरछी आंख न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मुकेश जी। आप ये बताएं कि आखिर क्या ऐसा विपदा आन पड़ा जो तेतराबाद पंचायत की जनता का चौमुखी विकास के लिए आपको मजबूर इस क्षेत्र में आना पड़ा। निवर्तमान में कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्या ऐसी बातें हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल सबसे पहले आपके इस तिरछी आंख न्यूज़ चैनल को मैं अपने पंचायत तेतराबाद की जनता की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे पंचायत में पहुँच के और हमारी आवाज़ को आप आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ की कमी को उजागर करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बात यह है कि हमारी संघर्ष लगातार 20 साल से चलती आ रही है। वो संघर्ष हमारे इस बिंदु पर है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और ख़ास करके आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कबीर अंत्येष्टि योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हो या मनरेगा कहिए या विभिन्न प्रकार की जो संचालित योजनाएं हैं, पूर्ण रूपेण से बिहार सरकार उसमें फेल है और भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसी के अंतर्गत हमारी पंचायत भी आती है और इस पंचायत में पूरा सिस्टम और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उस भ्रष्टाचार में संलग्न है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है प्रधानमंत्री आवास में 20,000, 25,000, 30,000 लगातार रुपया ले करके तब जाके प्रधानमंत्री आवास का लाभ देते हैं और वृद्धावस्था पेंशन यानी कि हर एक योजनाएँ जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं उन सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हमारी यह कोशिश है कि मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के जो आम जनता के कल्याण की योजनाएं हैं उसको जो सरकार के द्वारा संचालित योजना है घर घर तक सही तरीका से पहुंच जाए, उसमें उसकी हकमारी नहीं हो, मेरा पहला प्राथमिकता ये है। इसीलिए मैं लगातार 2006 में भी मैं यहाँ का पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूँ और लगातार हमारा संघर्ष जारी है और जब मैं 2006 से 2011 के बीच पंचायत समिति सदस्य था मैंने उस समय पूर्ण रूपेण सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करके और आम जनता के बीच प्रस्तुत किया था कि नहीं भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकती है, लेकिन उस बिंदु पर आज भी हम खड़े हैं, लेकिन आज भी फिर भ्रष्टाचार पुनः चालू हो गया और इसी की लड़ाई हम आम जनता के बीच ले जा रहे हैं और यही हमारा स्लोगन है। देखिए निवर्तमान में जो भी प्रतिनिधि थे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के, क्योंकि खगड़िया यहाँ से काफ़ी लंबी दूरी है और यहाँ के महिलाओं को प्रसव का समस्या झेलना पड़ता है, कुछ बुजुर्ग लोग को समस्या झेलना पड़ता है, उप स्वास्थ्य केंद्र पे कितना काम हो पाया, क्या रुचि रह पाई ये बताएं। उप स्वास्थ्य केंद्र की अवस्था ये है कि हम लगातार जिस समय पंचायत समिति सदस्य थे हमने लगातार सदन में आवाज़ उठाई और सदन में आवाज़ उठाने के बाद वहाँ नर्सों की जो है जो रिक्तियाँ थी नर्स को दिया गया, उससे पहले तो नर्स भी नहीं आती थी। नर्स के आने के बाद अब तो ऐसा लगता है फिर जब सदन में आवाज़ उठना बंद हो गया तो यहाँ जो है भवन तो दिख रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र की भवन है, लेकिन यहाँ नर्स जो है सप्ताह में हमको लगता है कि एक दिन या दो दिन आती है और उसके बाद यहाँ नहीं आती है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र में जीवन रक्षक दवाई उपलब्ध होनी चाहिए वह दवाई भी उपलब्ध नहीं है और आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश है कि लगातार इस पर आवाज़ उठा के उस उप स्वास्थ्य केंद्र में भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक चिकित्सक जो MBBS होते हैं उनका सप्ताह में एक दिन समय दिया जाए। मैं इस आवाज़ को भी सदन में मजबूती के साथ उठाऊंगा, यही हमारी समझ है। देखिए आपका जो क्षेत्र है मजदूरों देखिए बात करें आपके पंचायत तेतराबाद जो है मजदूर और किसानों का एक पंचायत है, बड़ी मात्रा में यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, किसानों का एक जमावड़ा होता है, तो खास कर किसानों के लिए कितना लाभ हो पाया सरकार के माध्यम से यहाँ के वास्तविक प्रतिनिधि के माध्यम से, क्योंकि लगातार बाढ़ के विविधताओं से और वर्षा के पानी से किसानों का हाल बेहाल है, फसल नष्ट हो जाता है, कितना लाभ मिल पाया, क्या जानकारी आपको क्षेत्रों से क्या जानकारी प्राप्त हो पाई है। देखिए दरअसल बात
बात यह है कि इस बार वर्षा की जो अवस्था रही है वो वर्षा की अवस्था बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण किसानों का फसल क्षति हुआ। हम समझते हैं उसमें आंशिक तौर पर किसानों को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचा है, लेकिन उस किसानों को लाभ पहुंचने में भी हमने देखा कि भ्रष्टाचार का खेल है। उसमें भी जो किसानों को उचित जो किसान हैं वास्तविकता में उनको लाभ नहीं मिल रहा है और जो किसान नहीं हैं उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि उस पर भी ज़रूरत है कि हम लोगों को काम करने की, स्थानीय जनप्रतिनिधि जब मजबूत तरीक़ा से लगेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें किसानों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी और जो किसानों का हकमारी हो रहा है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। देखिए जहां तक कि हम जान रहे थे ताराबाद पंचायत के जस्ट बगल में ही नदी है, उसके बाद उस पार गाँव भी है, आज तक पुल नहीं बन पाया, समस्या रही है बार बार। जो यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, यज्ञ करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं थोड़ा सा। ये देखिए ये लड़ाई, पुल की लड़ाई हम लोग बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं और वह लंबे समय से लगभग हम समझते हैं उस पुल की लड़ाई हम लोग 15 साल से लड़ रहे हैं लगातार यहाँ से लेके राजभवन पटना तक। आप और पर तो विधायक भी रहे हैं इसी गांव से शायद, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रहा है। देखिए दरअसल है क्या कि चंदन कुमार विधायक रहे हैं, लेकिन विधायक जो है वो लिपापोती करके विधानसभा में आवाज़ उठाने में अक्षम रहे हैं। वो अपने काम को जो करना चाहिए विधानसभा में या अपने पंचायत में जो काम करना चाहिए उसमें अक्षम हो गए, अक्षम साबित हो गए। आज वो पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और इस पंचायत में मुखिया का चुनाव जो लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता उनको बताएंगे कि आपने वो अक्षमता दिखाया, आप इस पंचायत के लायक नहीं है। उनको जवाब मिल जाएगा कि आखिर इस पंचायत में उनकी क्या क्षमता नहीं है, ये जनता जवाब दे देगी। चलिए सभी बातों पर हमने चर्चा की, आज छठ पर्व का महापर्व है और आज खरना का दिन है, तो छठ व्रतियों के लिए क्या खास करके कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात पर बात करें। मैं छठ व्रतियों के लिए अपने पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे जिला के छठ व्रतियों के लिए, पूरे राज्य के छठ व्रतियों के लिए ये कामना करता हूं और उनको कहता हूं कि निश्चित तौर पर अपने पंचायत के जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए छठ माह से ये प्रार्थना करें कि यहां का किसान नौजवान खुशहाल हो और हमारे पंचायत में एक स्वायत्त संस्था हो। मैंने आपको नहीं बताया कि मैं एक प्लानिंग किया हूं कि पद पर आने के बाद यहां के नौजवानों के रोज़गार के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी के माध्यम से एक इंडस्ट्रीज की स्थापना करवाएंगे और उस इंडस्ट्रीज में इस क्षेत्र के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। और इस छठ महापर्व के अवसर पर हम अपील करना चाहते हैं छठ व्रतियों से कि किसी भी परिस्थिति में आपके साथ हम रहेंगे और आप इस छठ पर्व की शुभकामना के साथ कि आप जो है इस पंचायत के सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे और हमारा पंचायत सुख और समृद्धि की ओर आगे अग्रसर होगा। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। क्रमांक कितने पे? क्रमांक 9 पर है। ज्यादा से ज्यादा मत देने के लिए जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा मत देने के लिए मैं जनताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि आप हम पर भरोसा जताएं और उस भरोसा पर हम खरा उतरेंगे और इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाते हुए एक समृद्ध पंचायत बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए जनताओं में अलग अलग तरह का विचारधारा है और आपको बता दें कि तेतराबाद पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी हैं साथी मुकेश कुमार, ये जनताओं में अलग तरह का विचारधारा भी रखे है और ये अपना संवाद भी रखे और काम की जो परियोजना है उसके बारे में खुलकर इन्होंने विचार रखा। इसी प्रकार से हम जनताओं से भी रूबरू होंगे, उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे कि परिवर्तन की जो लहर है पंचायत में कहाँ तक चल रही है और कैसे चल रही है। फिलहाल तिरछी आँख न्यूज़ चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। साथी मुकेश कुमार जिंदाबाद, पंचायत के जनता मालिक जिंदाबाद, कैमरा छाप जिंदाबाद, क्रमांक संख्या 9 जिंदाबाद, साथी मुकेश कुमार जिंदाबाद, कैमरा छाप जिंदाबाद, पंचायत ग्राम वासियों जिंदाबाद, साथी मुकेश कुमार जिंदाबाद, कैमरा छाप जिंदाबाद, क्रमांक संख्या 9 जिंदाबाद, साथी मुकेश कुमार जिंदाबाद, क्रमांक संख्या 9 जिंदाबाद।